आज हम आपके वॉल का बचावा कॉर्शन शुरू करते हैं इससे पहले हमने वॉलॉक्स की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीट कर लिया था आज हम उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो लेट्स सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की वॉलॉक्स uh, में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर एडवर्स कंडीशन में होता है विपरीत परिस्थितियों के अंदर शुरू होता है विपरीत परिस्थितियों के समय क्या हो जाता है वाटर फूड प्रकाश सब चीज़ों की क्या हो जाती है वहाँ पे कमी हो जाती है जैसे ये कमी फील हो जाती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है एल वॉलवक्स में एडवांस उमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है अर्थात इसमें दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन टू टाइप सेक्स ऑर्गन यहाँ पर बनेंगे ठीक है थीके? और सेक्स ऑर्गन में एक जो सेक्स ऑर्गन होगा वो मेल सेक्स ऑर्गन होगा और दूसरा होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो एक्टिव इनएक्टिव ठीक है सक्रिय कम होगा और आकार में बड़ा होगा जबकि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो एक्टिव ज्यादा होता है और आकार में छोटा होता है ठीक है तो ये विषम उगमस प्रकार के रिप्रोडक्शन में दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल भिन्न होती है कार्य की फिजियोलॉजिकली एंड उनकी जो मॉर्फोलॉजिकल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है इस प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं जो ये एडवांस प्रकार के होते हैं जो केवल किसमें मिलते हैं आपके एडवांस उगेमिस प्रकार के टाइप में मिलते हैं, uh, हैं। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो होगा मेल सेक्स ऑर्गन एंथीडियम कहलाता है और इस uh, वॉलवक्स में इसे एंड्रोगोनीडियम सॉरी यहाँ पर एंड्रो गोनीडियम कहा जाता है एंड्रोगोनिडियम कहा जाता है ठीक है एंड्रोगोनिडियम कहा जाता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या कहलाता है वोगोनियम जिसे गाइनोगिडियम कहा जाता है ठीक है है सेक्स ऑर्गन की प्रेजेंस के आधार पर यहाँ पे दो प्रकार की स्पीसीज पाई जाती है टू टाइप स्पीसीज यहाँ पे मिलती है ठीक है एक मोनोइसियस जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ठीक है मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों एक ही प्लांट में मौजूद होते हैं जैसे वॉलवॉक्स ग्लोबेटर वी कैन सी इन दिस पिक्चर यहाँ पे आपको क्या नजर आ रही है एंथेडियम नजर आ रही है जिसमें आपको एक क्लम्प ऑफ एंथ नजर आ रहे हैं दूसरी ओर यहाँ पर आपका ओगोनियम जिसमें आपको क्या नजर आ रहा? रहा है एग नजर आ रहा है ठीक है ये नज़र आ रहा है और डाइस स्पीसीज वॉलवॉक्स ऑर्ग है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग प्लांट्स पे यानी अलग अलग वॉलवॉक्स कॉलोनी uh, में पाया जाता है ठीक है जब स्पीसीज मोनोशियस होती है तो उसमें प्रोटो एंड्री चाई जाती है पूर्वता पूर पाई जाती है ठीक है हिंदी में अपने इसके बोलते हैं पूर्वता ठीक है पूर्वता पूर इसमें पाई जाती है ठीक है प्रोटो एंड्री पाई जाती है और प्रोटो एंड्री में क्या होगा कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या होगा मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर पहले डेवलप हो जाता है बिफोर फीमेल सेक्स ऑर्गन ठीक है मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन से पहले डेवलप हो जाता है डेवलपमेंट नेक्स्ट तो, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या एंड्रोगोनिडियम ठीक है वी कैन सी इन दिस पिक्चर ठीक है कहाँ पे शुरू होगा कॉलोनी जो सिनोबियम कॉलोनी है उसकी पोस्टर साइड की कोई भी सेल्स अपने आकार में क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है और कॉलोनी के सेंटर भाग में पुश कर जाती है अंदर की ओर धंस जाती है लेकिन सेल अपने साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा अपने पास वाली कोशिकाओं से जुड़ी रहती है ठीक है इस सेल्स को हम क्या कहते हैं एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल्स कहते हैं ठीक है थीके? जिसका जीव द्रव्य बहुत घना हो जाता है केंद्र स्पष्ट हो जाता है ठीक है आफ्टर दैट ये सेल्स क्या करती है अपनी फ्लेजिला रिमूव कर देती है जैसे ही फ्लेजिला रिमूव कर जाती है तो ये सेल इस स्पर्श में आ जाती है और इस सेल्स को अब क्या कहते हैं एक्चुअल में एंड्रोगोनियल इनिशियल सेल्स कहते हैं

सेल बन जाती है अकॉर्डिंग टू स्पीसीज कुछ स्पीसीज में यहाँ पर चौसठ से लेके एक तक भी सेल्स बन जाती हैं ये सेल्स ठीक है ये सेल्स जो होती हैं वो आ, क्या कर आ, यहाँ पर कुछ स्पीसीज के अंदर तो डायरेक्टली स्पिंडल फॉर्म में आ जाती हैं और एंथ्रोजॉइट्स का निर्माण करती हैं उनके ऊपर यहाँ पर क्या बन जाती है प्लेजना बन जाती है लेकिन आ, कुछ स्पीसीज के अंदर ये इन्वर्जन करती हैं और इन्वर्जन के द्वारा इस तरह से वापिस इनका जो एंटीरियर पार्ट है वो आ, सेंटर से फ्री की ओर आ जाता है इस इन्वर्जन के बाद इनके ऊपर फ्लेजिला बनती है ठीक है और इस समय इन, इन, इन से इस गोलाकार संरचना में बने हुए सभी सेल्स को हम क्या कहते हैं एंथ्रोजोइड्स कहते हैं ये सेल्स एक दूसरे से पृथक होती हैं ठीक है और इस तरह से इसमें क्या बन जाते हैं एंथ्रोजोइड्स बन जाते हैं यहाँ पर बने हुए जो एंथ्रोजॉइड हैं उनके यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसे होते हैं ये वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स ठीक है ये फ्यूजिफॉर्म या क्रॉनिकल सेप्ट होते हैं ठीक है प्रत्येक जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो येलो इस ग्रीन यूनि सेलुलर एक यूनि निकलेट एक की बाई फ्लेजिलेट ये दो फ्लेजिला मिलती हैं। और इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल इसके अंदर पाए जाती हैं इसके अलावा एक पायरेनोइड होता है और एक रेड आई स्पॉट इसके अंदर पाया जाता है जिसके सहारे ये लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पानी में तैरता रहता है ठीक है यहाँ पर जितने भी एंथ्रोजॉइड्स जो बनते हैं वो कुछ यह, जो स्पीसीज हैं उनमें एक साथ फ्री होते हैं एंथ्रीडियम से और पानी में फ्रीली स्विम करते हुए अंततः उगोनियम के कॉन्टेक्ट में आते हैं लेकिन वॉलॉक्स ओरियस के अंदर ठीक है वॉलॉक्स ओरियस के अंदर एक एक करके ये फ्री होते हैं ठीक है नेक्स्ट स्लाइड वे डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम या गायनोगोनिडियम वी कैन सी इन दिस पिक्चर सेम प्रोसेस शुरू होगा वो यहाँ पर जो सेल ठीक है पोस्टीरियर साइड की सेल्स है ठीक है पोस्टीरियर जो सेल ऑफ कॉलोनी ठीक है वो क्या करेंगी अपने आकार में बड़ी होंगी कॉलोनी में अंदर की ओर धंस जाएंगी और इनके प्लेजला गिर जाएंगे ठीक है और प्लेजला गिरने के बाद में ये जो सेल्स से है क्या कहलाएगी गायनोबोनिडियम इनिशियल सेल कहलाएगा गायनोबोनिडियल या ऊगोनियम इनिशियल सेल कहलाएगी ठीक है अब ये सेल अपने आकार में बड़ी होती एक अपनी ऊपर की ठीक है ये जो ऊगोनियम है ऊपर की ओर क्या करेगी एक बीक लाइक पोर्शन बनाती दिस दिस का एक हिस्सा क्या होता है हाईलिन होता है हाई पार्ट होता है इसको अपन रिसिप्टिव पॉइंट ठीक है रिसिप्टिव स्पॉट कहते हैं ठीक है स्पॉट कहा जाता है ठीक है स्पॉट भी बोलते हैं इसको रिसिप्टिव स्पॉट भी कहते हैं एक जो उगोनियम है उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर पेराइटल रीजन में यहाँ पर पेराइटल जो प्री है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और साथ में इनमें अनेक पायरिनोड्स पाए जाते हैं

अटैच होता है और अपना जो प्रोटो छिद्र बनने के बाद यहाँ से अपना प्रोटोप्लाज्म के अंदर डाल देता है इस प्रकार से बना हुआ जो ऊस्पियर है यहाँ पर जो इस प्रकार से ऊस्पियर जो बना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं ऊस्पियर ठीक है ये एग ये सेल जो पुरी की पूरी सेल क्या कहलाती है एग कहलाती है इसे ऊस्पियर भी कहलाते हैं कहते हैं ठीक है इस किसी प्रकार की कोई भित्ती नहीं होती है नेक्ट होते हैं ठीक है फाइनली फर्टिलाइजेशन ठीक है फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जो एंथ्रोजोड्स हैं वो पानी में फ्रीली तैरते हुए कीमोटेक्टिव प्रोसेस के द्वारा यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ उगोनियम के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं जिनकी तरफ आकर्षित होकर वो उगोनियम के आ, मुख बिंदु पर मुख द्वार पे आ जाते हैं वहाँ पर कई सारे एंथ्रोजोड्स मौजूद होते हैं लेकिन उनमें से केवल एक ही सिंगल एंथ्रोजोड क्या होगा सिंगल एंथ्रोजोड्स ओगोनियम में एंटर करता है और जो रिसिप्टिव पॉइंट होता है जिसको अपन या ग्राहलाइन पॉट कहते हैं उस के साथ में क्या हो जाता है फ्यूज हो जाता है ठीक है इसमें क्या मिलती है पहले इसमें प्लाज्मोगेमी होती है ठीक है प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी में इसका कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस इसके अंदर डाला जाता है उसके बाद में केरियोगेमी होती है यानी दोनों का न्यूक्लियस पहले इनका

वित्ती पाए तीन वित्तियां पाई जाती हैं सबसे बाहरी इस वित्ती को हम क्या बोलते हैं एग्जोस्पोर कहते हैं ठीक है मध्य वाली वित्तीय को हम मिजो कहते हैं और आंतरिक वित्तीय को हम एंडोस्पोर कहते हैं ठीक है एंडोस्पोर कहते हैं ठीक है बन जाती है वी कैन सी इन दिस पिक्चर आपको ये नजर आ रही है ठीक है जो बाहरी वित्तीय एग्जोस्पोर होती है वो स्मूथ या स्पाइनी होती है दोनों जगह देख रहे हैं ये यहाँ पे स्पाइनी ये एग्जोस्पोर है ठीक है एग्जो

और एक इसके अंदर क्या रहता है आपका टू एन न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है और स्टोर्ड फूड इसके अंदर पाया जाता है जर्मिनेशन के समय जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है ठीक है जब क्या आ जाती है जर्मिनेशन ये तो की स्ट्रक्चर होगी आपकी ठीक है गोलाकार बाहर से स्मूथ या स्पाइनी एग्जोस्पोर लिए हुए मध्य स्पोर जिसमें हिमेटोक्रोम मौजूद होता है ठीक है इसको रेड कलर प्रदान करता है एंडोस्पोर इस तरह से बना हुआ जो उस पोर है वो लंबे समय तक पानी के पैदे में पड़ा रहता है कीचड़ में पड़ा रहता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उन अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं अनुकूल कंडीशंस क्या होती हैं अनुकूल कंडीशन बरसात का आना ठीक है पानी का आना ठीक है रेनी सीजन जैसे ही बरसात आती है पानी आता है तो इसका जो ऊस पोर है उसका जीव द्रव्य एक्टिव हो जाता है और ये पानी ऑब्जॉर्व करता है पानी ऑब्जॉर्व करने के बाद ये फैल इसका जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म प्रोटो 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 है वो फैलता है फैलाव के कारण यहाँ पर इसकी मेजोस्पोर और एक्सोस्पोर क्या हो जाती है फट जाती है और अंदर से जो एंडोस्पोर है वो वेसाइकल के रूप में यहाँ से क्या आती है एंडोस्पोर वेसाइकल के रूप में बाहर निकल के आती है ठीक है एंडोस्पोर यहाँ पर वेसाइकल के रूप में बाहर निकल के आती है और के रूप में बाहर निकल जाती है इससे पहले यहाँ पर ठीक है इसका जो आ, अंदर का जो टू एन ठीक है न्यूक्लियस है वो मियोसिस डिजन द्वारा ठीक है मियोसिस डिजन के द्वारा क्या कर लेता है चार प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट बनाता है चार प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट बनाता है ठीक है सेगमेंट बनाता है और ये प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट्स जो होते हैं वो इस एंडोस्पोर वेसाइकल्स के अंदर हमें नजर आते हैं तरह से अपन यहाँ पे देखें तो इस तरह से ये क्या निकल के बाहर आते हैं और इसमें ये चारों सेगमेंट्स क्या होते हैं मौजूद होते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू किर्चनर ठीक है अकॉर्डिंग टू किर्चनर बात करें अपन तो किर्चनर के अनुसार क्या होगा कि यहाँ पर ये जो चारों सेगमेंट्स होते हैं ठीक है वो डायरेक्टली क्या करते हैं डिविजन करते हैं ठीक है ये चारों जो सेगमेंट्स हैं प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट्स हैं ये चारों सेगमेंट्स क्या होंगे डायरेक्टली डिविजन करते हैं और सीनोपियम का निर्माण कर देते हैं लेकिन पोको पो, के अनुसार क्या होगा ये जो जाइगोस्पोर है उसमें से जो चार प्रोटोप्लाज्मिक सेगमेंट बने हैं उनमें से तीन क्या हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू किसके ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोकोक ठीक है के अनुसार क्या होगा इनमें से तीन सेगमेंट क्या हो जाते हैं डीजनरेट हो जाते हैं ठीक है और केवल एक सेगमेंट बनता है जो फ्लेजिला धार कर लेता है और पानी में तैरता रहता है ठीक है और इसे जूस पोर कहा जाता है दो फ्लेजिला बन जाती है इसे जूस पोर कहा जाता है ये जूस पोर एक शांत तक तैरता रहता है ठीक है शाम तक तैरता रहता है और शाम को शाम के समय ये एक स्थान पे स्ट्रगल हो जाता है और इसमें डिविजन की प्रोसेस शुरू हो जाती है ठीक है वी कैन सी इन दिस पिक्चर ठीक है इस तरह से क्या होगा इसमें प्लेजिलम होगी मियो, मियो स्कोर भी कहा जाता है मियो जू स्पोर भी कहा जाता है ठीक है पहले इसमें दो सेल बनेंगी फिर इसमें लगातार विभाजन होता जाएगा और मिड नाइट के अंदर क्या हो जाएगी इसमें जितनी भी सेल्स बनी होती है वो सारी सेल बन जाएंगी और यहाँ पर भी इसमें क्या रहेगा इस जगह पे फ्यालोपोर मौजूद रहेगा ठीक है सारी सेल्स बन जाएंगे लेकिन फ्योलोपोर इसके अंदर रहेगा लेकिन यहाँ भी अभी तक इसमें फ्लेजिला मौजूद है पूरी सेल जो स्टार्टिंग की दो फलेजिला है वो मौजूद रहेंगी फोलोपोर के बनने जब पूरी सेल बन जाती है तो फलोपोर में क्या हो जाता है इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है इन्वर्जन से सारी सेल्स अपना एंटीरियर प्रोडक्ट वीडियो की ओर ले आती है और फाइनली जो सेल बनती है वो क्या बन जाती है आपकी एक न्यू सिनोबियम बन जाती है यहाँ पर न्यू सिनोबियम कॉलोनी बन जाती है ठीक है वी कैन सी इन दिस पिक्चर इसके लाइफ साइकिल का ग्राफिक देखें यहाँ पर तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है टाइप होती है heplontic का मतलब है उसका पूरा जीवन काल मैक्सिमम किस अवस्था में बीतता है स्टेज में बीतता है ठीक है तो मैक्सिमम जो जीवन यहां पर है उसका वी कैन सी इन दिस पिक्चर यहाँ पे जो प्लांट है वो एक्चुअल में क्या होता है गेमिटोफाइट होता है ठीक है गेमिटोफाइट होता है

फ्यूज होते हैं फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है फ्यूजन के बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और बनता है वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स यहाँ पर यह एंथ्रोजॉय बने ठीक है एंथ्रोजॉइड्स हो उगोनियम बने ठीक है उगोनियम के साथ में फ्यूज हुआ यहाँ पे जायगोट बना ठीक है और इस तरह से एंथ्रोजॉइड्स और डाइगोट के बनने के बाद ठीक है ये उस पोर बना पोर में ठीक है वो क्या बनेगा आपका

ठीक है एडवर्स कंडीशन बिताने के लिए काम करती है और जैसे ही ये फेवरेबल कंडीशन आती है मियोसिस के द्वारा क्या बना देती है मीओ जू स्पोर बनाती थी है ठीक है मीओ जू स्पोर बनाती है जो आगे चलकर कॉलोनी का निर्माण कर है इसी तरह से यदि अपन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा ठीक है कॉलोनी में वो एगोनीडियम सेल बनी डिजन हुआ क्या स्टेज आई ठीक है लेके स्टेज के बाद में लगातार जितनी नंबर से फिर वो इन्वर्जन होता है या तो पिंग चौक हो जाती है या जा इसी के अंदर रह जाती है और सेल करेंट कॉलोनी के डेथ के समय और डीग्रेडेज होने पर ये न्यू डॉटर कॉलोनी चौक फ्री हो जाती है और फिर पानी में तैरते हुए थैंक यू थैंक यू